सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए अप्रेंटिस की एक और सीधी भर्ती की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसके तहत वे अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने जा रहे हैं। सीधी भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। कोई आवेदन शुल्क भी आपको इस भर्ती पर जमा नहीं कराना है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस भर्ती पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद HAL लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट है जिससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के अंदर ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 240 खाली पद हैं जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स बेझिझक लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हो। डिसिप्लिन वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए कोई पद नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 5 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 14 वैकेंसीज है और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 25 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 18 वैकेंसीज है और डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 19 वैकेंसीज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 53 खाली पद हैं और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 86 खाली पद हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए कोई पद नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 103 खाली पद हैं टोटल और डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए टोटल 137 खाली पद हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रेड वाइज भी वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास BE की डिग्री या फिर BTEC की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी HAL लिमिटेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रखी जाएगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर आपको ₹4,984 प्रोवाइड करा दी जाएगी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए और ₹3,542 आपको प्रोवाइड कराई जाएगी डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको जमा नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीधी भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मई 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 15 मई 2019 के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती पर किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है HAL_India.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 by 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 by 1 करके रीड कर सकते हो। और पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक रीड करना आपके लिए जरूरी भी है इस भर्ती पर आवेदन करने से पहले, जैसे कि आप यहाँ से डिसिप्लिन वाइज भी वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सैलरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज बताई गई है, वो भी हम आपको
ऑलरेडी बता चुके हैं, ये आप वीडियो पॉज करके या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से रीड कर सकते हो। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है, एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 9% रिजर्वेशन कोटा है और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 4% है, एक्सएसएम कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 4.5% है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10% का रिजर्वेशन कोटा इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रखा गया है। तो इस प्रकार से पूरी डिटेल इस भर्ती से रिलेटेड आप इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से 1 by 1 करके रीड कर सकते हो और पूरी डिटेल यहां से विस्तार पूर्वक रीड करने के बाद आप सिंपल इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले पहले कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS का ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप इस भर्ती पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हो। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसमें पूरी डिटेल एक्यूरेटली प्रोवाइड करानी है। पूरी डिटेल एक्यूरेटली प्रोवाइड कराने के बाद आपका अकाउंट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरकर आपको लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी डिटेल्स एक्यूरेटली प्रोवाइड करानी है, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको बिना बताए ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको इन्फॉर्म किए बिना ही ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।